सफारती सतह पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी भारत से बर्दाश्त करना मुश्किल है, इसलिए भारतीय मीडिया तुर्की और पाकिस्तान को भारत के लिए बड़ा खतरा करार दे रहा है। खसूसन कश्मीर के हवाले से भारतीय मीडिया का क्लिप आपको आगे चलकर वीडियो में दिखाऊंगा, कैसे तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आपको कुछ याद हो, कुछ दिन पहले शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास में तब भारत को मुंह की खानी पड़ी जब सब ममालिक ने पाकिस्तान का नया नक्शा पास किया और भारत का इतराज इतराज ही रह गया। तुर्की और पाकिस्तान कैसे भारत पर हमला और साजिश कर रहे हैं, आइए भारतीय मीडिया का क्लिप आपको सुनवाते हैं। जिस तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अभी हाल ही में मुलाकात करने की वजह से लोगों के निशाने पर आए थे, उसी तुर्की ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान, तुर्की और ओआईसी ने मिलकर भारत के आंतरिक मुद्दे पर दखल देते हुए कश्मीर पर बयानबाजी की, हालांकि भारत ने भी उसे करारा जवाब दिया। मोदी सरकार ने जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हर मंच से भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले पाकिस्तान ने यूएन के मानवाधिकार परिषद में भी भड़ास निकालते हुए भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आवाज से जरूर आगाह करें।